इस वीडियो में मैं शो करने वाला हैवल्स कंपनी के ओर से आने वाला हैवल्स डेजल 1100 वॉट का ड्राई आयरन, तो ओवरऑल इसे किस तरह यूज करना है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी देखने को मिल जाती है, किस टाइप के क्लोथ को आप इसे आयरन कर सकते हो, कितने टाइम में ये हीट होता है, इंडिकेटर कहाँ दिया गया, वायर की लेंथ कितनी देखने को मिल जाती है, प्लग 16 एम्पीयर का दिया गया या फिर 10 एम्पीयर का, और इसके अंदर आपको ऑटो कट ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है भी कि नहीं, वो सारी चीज़ तो आप भी सोचो अच्छा सा आयरन बाय करने के लिए। आपका बजट अराउंड 400 रुपीज के करीब है, तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया था 499 का। अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सीएम कोई 600-700 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जब मैंने परचेस किया, ऑफर भी चालू था। कुछ इस टाइप का कंप्लीट बॉक्स पैकिंग देखने को मिल जाता, तो चलो करते इसे ओपन। तो ये प्लास्टिक में रैप होकर आएगा जो कि ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है, बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। एक आता है वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल और डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसके प्रोडक्ट है वो सारे के सारे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आप बाय करते हो अपनी वारंटी रजिस्टर कर लीजिए। और ये रहा हमारा मेन आयरन, इधर आपका हैवल्स की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, इधर डेजल जो कि मॉडल नेम लिखा हुआ है, इधर नॉब दिया गया, वायरलेस अराउंड 4.5 से 5 फीट की देखने को मिल जाती है। डिजाइन की बात करें काफी स्लिम डिजाइन देखने को मिलता है, सामने को लाइट इंडिकेटर ब्लैक कलर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम देखता है, वो गंदा होगा तो दिखेगा भी नहीं। नॉब को रोटेट करोगे कुछ इस टाइप का साउंड आएगा। नॉब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर भी दिए गए क्लोथ के, जैसे कि नायलॉन हो गया, रायलॉन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, लाइन कॉटन हो गया, और कूल करना है तो कूल का भी नॉब दिया गया। और इधर आपको एरो देखने को मिल जाता है, जिस एरो के डायरेक्शन में जो भी रखोगे तो वो वाला पावर से ये वर्क करेगा। और नीचे की साइड में कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, नॉन स्टिक का कंप्लीट बल्ब का जर्मन टेक्नोलॉजी यूज किया गया। तो अब हम इसे स्टार्ट करते और यूज करके भी देख लेते मल्टीपल क्लोथ पे। तो स्टार्ट करने के पहले जो स्टिकर दिख रहा है इसे आपको रिमूव कर लेना है। कुछ क्लोथ इस पे हम आयरन करके कंप्लीट देख लेंगे, तो कर देते प्लग में। और इधर आपको लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगी, जैसे ही पावर ऑन आएगा और इसे हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर आपको नॉब का फंक्शनलिटी भी चेंज करना रहेगा, तो जैसे कि मैं कॉटन के क्लोथ यूज करने वाला, तो इधर मैं कर देता हूँ कॉटन, तो मैंने कॉटन सेट कर लिया है। और इसे आपको कभी भी इस तरह रखना है, नीचे की ओर नहीं रखना है। और इसके अंदर ऑटो कट ऑफ का भी ऑप्शन दिया गया, जैसे ही ये हीट हो जाता है अपने आप ये बंद भी हो जाता है विद इन सेकंड में, 10 सेकंड में जो कि ये गर्म भी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते, सबसे पहले ये शर्ट पे आयरन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो शर्ट को भी कंप्लीट हमने आयरन कर लिया। अब हम दूसरे क्लोथ को भी आयरन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने दूसरे शर्ट को भी प्रॉपर तरीके से आयरन कर लिया है। तो सारी चीज़ इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दी, इस तरह आपको इसे यूज़ करना है। इधर डिफरेंट डिफरेंस के क्लोथ के इंडिकेटर भी दिए गए, इधर लाइट इंडिकेटर भी दिया गया। और जैसे यूज़ करने के बाद में थोड़े टाइम के लिए आप इसे इस तरह स्ट्रेट रख दीजिए, पे हीट वगैरह गर्म रहेगा तो अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा कुछ मिनट में। इसके बाद में आप इसे पैक करके रख सकते हो बॉक्स वगैरह पर, कबोर्ड में, जहाँ भी रखना चाहते हो। और फास्ट हीट हो जाता है 1100 वॉट का, और काम भी बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा आप घर में एक इस्त्री ले लीजिए, बाहर पे करने से अच्छा है विद इन कुछ मिनट में ही आपका घर पे इस्त्री हो जाएगा। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया था हैवल्स के 1100 वॉट की 499 रुपीज के। अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सीए में कोई 800-900 की सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने परचेस किया, ऑफर भी चालू था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।